हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षुस रेसिपी। अभी गर्मी की सीजन चल रही है और मैंगो का भी सीजन है, तो चलिए फिर एक नई रेसिपी बनाते हैं मैंगो मिल्क शेक की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी, ठंडी ठंडी मैंगो मिल्क शेक। तो यह मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक आम, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसका छिलका निकाल के हम इसे बारीक काट लेंगे। तो मैंने इस तरीके से आम को काट लिया है। मैं यहाँ पे 2 ग्लास भर के मैंगो मिल्क शेक बनाऊंगी, तो इसके लिए एक आम लिया है और इसी के साथ हमें इसे अच्छे तरीके से काट लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक मिक्सी जार ले रही हूँ। मिक्सी जार के अंदर अब हम ये सारा मैंगो का पल्प डाल देंगे और इसका हमें बारीक अच्छे तरीके से इसका फाइन पेस्ट बनाना है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के शक्कर डाल रही हूँ। अगर ये शक्कर ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डालिए। और इसी के साथ मैं 1 ग्लास भर के दूध डालूंगी। ये दूध ठंडा है और अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मैंगो मिल्क शेक ग्राइंड हो चुका है। इसी के साथ मैं इसके अंदर आइस क्यूब डाल के इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लूंगी, ताकि जब हम मैंगो मिल्क शेक पियेंगे तो उसके अंदर ये आइस के बाइट आएंगे। तो देखिए हमारा मैंगो मिल्क शेक बन के रेडी है। कितना स्मूदी टेक्सचर है इसका, और अगर आप इसे पीजिए ठंडा ठंडा, बहुत ही अच्छा लगता है गर्मी के सीजन में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।